नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आज मालो। Alright guys, welcome back to the yet another video. भाई Argentina through to the yet another Copa America semi-final भाई. But let's talk about Emi Martinez भाई, क्या बंदा है ये कसम से यार. We have seen के उसने Argentina के लिए previous tournaments में deliver किया and he did it again भाई, क्या मजाक है ये कसम से यार. अगर आप चार पेनल्टी शूटआउट अर्जेंटीना के उठा के देखें तो उन चारों पेनल्टी शूटआउट में Emi Martinez स्टेप अप. 2021 में उसने दो पेनल्टीज रोकी थी. अगर आप 2022 के क्वार्टर फाइनल की बात करें तो उसमें उसने दो पेनल्टीज रोकी थी आउट ऑफ फाइव. अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें तो वर्ल्ड कप फाइनल में भी उसने दो पेनल्टीज रोकी थी आउट ऑफ फाइव. मतलब क्या बंदा है यार, एब्सोल्युटली रिडिकुलस. मतलब इस तरह की कंसिस्टेंसी पेनल्टीज में इज अ शॉकिंग टू मी भाई. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि Emi Martinez टाइप का एक गोल कीपर हर टीम को अपनी टीम में चाहिए. आई एम अ पोर्चुगल फैन, आई एम अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन, आई वॉन्ट Emi Martinez काइंड ऑफ आउट ऑफ अ प्लेयर इन माई टीम भाई. क्योंकि जो मेंटेलिटी है उसकी, जिस तरीके से वो क्लच मोमेंट्स करता है, जो मतलब ही नोज भाई, ही नोज हाउ टू पुल दीज थिंग्स. और उसने वापस कर दिखाया भाई, एब्सोल्युटली रिडिकुलस. और मैंने एक चीज हमेशा से कही है कि अगर लियो मेसी के बाद मुझे लगता है कि अगर इस अर्जेंटीना की सक्सेस में किसी का रोल है तो Emi Martinez गॉट टू बी द सेकेंड वन इन माई ओपिनियन. क्योंकि Emi Martinez कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म अर्जेंटीना भाई. अगर आप देखें तो भाई गोलकीपर्स में स्पेशली रोमेरो के बाद अर्जेंटीना को बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी, लेकिन आप देखें कि Emi Martinez के आने के बाद ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इट भाई. और अब अगर आप पेनल्टीज में जाते हो अगेंस्ट अर्जेंटीना तो इन माय ओपिनियन इट्स इन अ लॉस कॉज, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर अगेंस्ट Emi Martinez. जो उसकी मेंटेलिटी है, जो जिस तरीके से वो क्लच मोमेंट्स गाइस, अगर आप इस टीम की बात करें तो इस टीम में भी अगर आप देखें तो इस टीम अगर अच्छा भी नहीं खेलती ना, दे नो विन गेम्स. और उन्होंने ये चीज कर दिखाई, उन्होंने वापस ये चीज कर दिखाई. यूनिटी इस टीम में देखें, इस टीम की केमिस्ट्री आप देखें. यूनिटी की सबसे मेन एग्जांपल ये है कि आप जाके Emi Martinez के आज के स्टेटमेंट्स चेक करें गेम के बाद, आप जाके रोड्रिगो डी पॉल के स्टेटमेंट्स चेक करें. मतलब देर इज इनसेन लेवल ऑफ यूनिटी इन दिस अर्जेंटीनियन टीम मैन. भाई लाइनअप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लाइनअप में आपको एक चेंज देखने को मिला. Lautaro Martinez स्टार्टेड इन प्लेस ऑफ जूलियन अल्वारेस. और ये चीज मैंने हमेशा कही है, मैंने हमेशा स्कलोनी को प्रेज किया है इस बारे में कि स्कलोनी इज अ टाइप ऑफ अ मैनेजर जो कि नहीं देखता कि ये बड़ा प्लेयर है बड़ा प्लेयर नहीं है. ही ऑलवेज प्रिफर्स परफॉर्मेंसेस. जूलियन अल्वारेस की रिसेंट परफॉर्मेंसेस नहीं थी. जूलियन अल्वारेस आज के गेम में बेंच हुआ, क्वार्टर फाइनल में बेंच हुआ. जूलियन अल्वारेस गोल स्कोर नहीं कर रहा था, जूलियन अल्वारेस बेंच हुआ. आपको याद होगा जब जूलियन अल्वारेस आया था टीम में तो उस वक्त Lautaro Martinez जो था वो फर्स्ट स्ट्राइकर था, फर्स्ट टीम में था, 11 में था अर्जेंटीना के. बट यहाँ पे जूलियन अल्वारेस आया और उसने परफॉर्म करके दिखाया और उसने Lautaro Martinez को लाइनअप में रिप्लेस किया. और दिस इज हाउ यू विन बिग टूर्नामेंट्स गाइस, दिस इज व्हाट यू विन बिग टूर्नामेंट्स. के आपको हमेशा इनफॉर्म प्लेयर्स जो हैं वो इतने बिग बड़े टूर्नामेंट्स जिताते हैं. आप बड़े नाउंस में नहीं जाते, आप इनफॉर्म प्लेयर्स में जाते हो कि कौन सा प्लेयर है जो कि हमें एडवांटेज दे सकता है इस मेजर टूर्नामेंट्स में. बिकॉज इसमें मोमेंट्स का ही गेम होता है यार, मोमेंट्स में ही आपको जीतना होता है, मोमेंट्स में ही सब कुछ होता है. तो वही चीज है, अगर आपने एक दफा मोमेंटम पकड़ लिया, अगर आपके किसी प्लेयर ने एक दफा मोमेंटम पकड़ लिया, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप उस मैच को हार सको. बाकी जहां तक बात है Enzo Fernandez की, यार मैं Enzo Fernandez के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा. आई थिंक ही इज अ डिसेंट प्लेयर. टू बी ऑनेस्ट मैं शौक हूं कि Scaloni उनको बार बार स्टार्टिंग लाइनअप में पिक कर रहे हैं, क्योंकि पेराडेस की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो पेराडेस की जैसी परफॉर्मेंस रही थी पहले गेम में वो आउटस्टैंडिंग भाई, लेकिन सेकंड गेम में उनको Enzo Fernandez से रिप्लेस किया गया. अब Enzo Fernandez की भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें, आई डोंट नो व्हाई चेल्सी जो एक लूजिंग कॉज चलता हुआ आ रहा है, शायद वो माइंड में, या इंजरी से वापस आ रहा है वो चीज़ माइंड में,
संडे जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, मतलब वो ऑफ लग रहा है, मुझे इंजर्ड लग रहा है जब से वो अपनी सर्जरी से वापस आया। तो मुझे लगता है कि एंजो फर्नांडिस की जगह पे यहाँ पे स्कलोनी पलासियोस को स्टार्ट करवा सकते थे या पेरेडेस को स्टार्ट करवा सकते थे। आई एम बिट सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो परफॉर्मेंसेस भी बेस पे प्लेयर्स को पिक करते हैं, तो आई एम बिट सरप्राइज के एंजो फर्नांडिस इतना कैसे खेल गए इतनी रिडिकुलस परफॉर्मेंसेस देने के बावजूद भी। अगर आप गेम की बात करें तो फर्स्ट हाफ में इक्वाडोर केम आउट विद इंटेंसिटी अप फ्रंट। भाई अर्जेंटीना की जहां तक बात है, काफी डिजास्टर स्टार्ट था अर्जेंटीना का। और जो इक्वाडोर थी, इक्वाडोर ने अगर आप फर्स्ट हाफ में देखें तो इक्वाडोर ने अर्जेंटीना को डोमिनेट किया, मैं समझता हूँ इन टर्म्स ऑफ चांसेस। उनको अब शुरू में भी चांसेस मिले, कायसेडो को एक चांस मिला जो कि शूट नहीं कर सका। उसके बाद भी आप देखो तो एमी मार्टिनेस ने एक बहुत ही ब्रिलियंट सेव किया यहाँ पे। तो इक्वाडोर को ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं मिले, इक्वाडोर को चांसेस मिले, इक्वाडोर अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर सकी। और अगर आप वर्ल्ड चैंपियंस के अगेंस्ट अगर आप अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं कर सकते, स्पेशली अगेंस्ट दीज बंच ऑफ प्लेयर जो इतनी सक्सेसफुल रही है रिसेंट टाइम में, तो अगर आप इनके अगेंस्ट अपने चांसेस नहीं लोगे तो वी ऑल नो के व्हाट अर्जेंटीना कैन डू। और वही हुआ, अर्जेंटीना का जितना ही डिजास्टर स्टार्ट था, मेरे ख्याल से बहुत ही डिजास्टर स्टार्ट था, लेकिन अर्जेंटीना ने यहाँ पे गोल स्कोर किया थ्रू लिसांड्रो मार्टिनेस। बहुत ही यहाँ पे बेहतरीन यहाँ पे हेडर था मैक एलिस्टर का। बाकी यार अगर आप ओवरऑल गेम की बात करें तो अर्जेंटीना उस हिसाब से नहीं खेली जैसे उनको खेलना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट इन माई ओपिनियन। आई थिंक उनका काफ़ी डिजास्टर स्टार्ट रहा। बाकी इन टर्म्स ऑफ अगर आप चांसेस की बात करें फर्स्ट हाफ के, अगर आप इन टर्म्स ऑफ चांसेस की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इक्वाडोर ने डोमिनेट किया अर्जेंटीना को इन टर्म्स ऑफ चांसेस। पोजेशन तो यहाँ पे अर्जेंटीना के पास थी, जो अर्जेंटीना 2016 वाली अर्जेंटीना थी मुझे फर्स्ट हाफ देख के वो याद आया। ओवरऑल भी अगर आप गेम देखें तो इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रही है अर्जेंटीना। बाकी अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में इतना कुछ है नहीं बात करने को, क्योंकि दोनों साइड्स सेकंड हाफ में इतना कुछ कर नहीं सकी। इक्वाडोर को यहाँ पे चांस जरूर मिला था, बट वहाँ पे वैलेंसिया जो है वो पोल को एड कर, यहाँ पे एमी मार्टिनेस को बीट जरूर किया था वैलेंसिया ने, वो राइट साइड पे गए थे और उन्होंने पेनल्टी लेफ्ट साइड में मारी थी, बट ही हिट द पोस्ट। ओवरऑल अगर आप देखें तो इक्वाडोर ने अपने चांसेस नहीं लिए, उनके पास बहुत ज्यादा चांसेस थे। अर्जेंटीना की अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अर्जेंटीना की भी इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। 80th मिनट में यहाँ पे इक्वाडोर ने इक्वलाइज किया अर्जेंटीना के अगेंस्ट, और मेरे ख्याल से यहाँ पे अर्जेंटीना खुद को लकी समझना चाहिए उनको कि गेम जो है वो 30 मिनट में नहीं गया और गेम डायरेक्ट पेनल्टीज में गया। क्योंकि अगर आप ओवरऑल गेम देखें तो मैं समझता हूं कि इक्वाडोर ने यहां पे अर्जेंटीना को डोमिनेट किया, क्योंकि अर्जेंटीना को मैंने काफी टाइम बाद इस तरीके की फुटबॉल खेलते हुए देखा। बट जो एक जो इंपॉर्टेंट चीज है इस अर्जेंटीनियन टीम में वो ये है कि जैसी भी परफॉर्मेंस हो दे नो हाउ टू टेक रिजल्ट्स, और उसकी वजह से ही ये लोग सक्सेसफुल है। और जो मेंटेलिटी है इन प्लेयर्स की इज जस्ट रिडिकुलस। अगर आप एमी मार्टिनेस की बात करें तो एमी मार्टिनेस भाई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे लगता है कि एमी मार्टिनेस is one of the best goalkeepers, अगर इस टाइम हम penalty stoppers की बात करें तो he is the best goalkeeper in my opinion, अगर हम penalty stoppers की बात करें। बाकी जहां तक बात है मेसी की, आई थिंक मेसी का लग रहा था, नजर आ रहा था कि मेसी जो है वो अनफिट है, क्योंकि वो इस तरीके से आके पीछे भी ड्रॉप नहीं हो रहे थे और उनकी वो परफॉर्मेंस भी निकल के सामने नहीं आ रही थी। तो ओवरऑल अगर आप मेसी की परफॉर्मेंसेस देखें तो मेसी की वो परफॉर्मेंसेस नहीं थी जो आप मेसी से एक्सपेक्ट करते हो। तो मुझे लगता है कि मेसी यहाँ पे अनफिट थे और उनको जबरदस्ती ये गेम खिलाया गया। ऑफकोर्स आई थिंक इस लियो मेसी यू गॉट टू टेक चांस मैन, बट यहाँ पे जो मेसी की परफॉर्मेंस थी वो मेसी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थी। तो ओवरऑल आई थिंक यहाँ पे अर्जेंटीना गॉट लकी अगेंस्ट इक्वाडोर। इक्वाडोर अगर अपने चांसेस ले लेती तो रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट। और अगर आप वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट अगर आप आके रिजल्ट नहीं दे रहे, अगर आप आके अपने चांसेस को नहीं ले रहे, देन यू डिजर्व टू बी पनिश्ड एंड वी ऑल नो के वॉट अर्जेंटीना कैन डू एंड दे डिड इट। सो बाई हेड्स ऑफ टू दैम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी अर्जेंटीनियन फैंस एंड अर्जेंटीना बाई दे क्वालिफाइड फॉर येट अनदर कोपा अमेरिका सेमीफाइनल। सो दैट वॉज माई रिव्यू गाइज। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, वट डू यू थिंक अबाउट द गेम। तो मिलते हैं फिर।